कभी भी सोरेन फैमिली नहीं चाहता था अलग राज्य बने, ये सच्चाई है, उसको पढ़िए। वो कभी भी नहीं चाहता, वो चाहता था विषय बना रहे और मेरा राजनीति भी चलता रहे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता था। वो कभी भी निर्णायक लड़ाई नहीं चाह, वो चाहता था जब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगा मेरी राजनीति चलेगी, इसीलिए वो लड़ाई को जिंदा रखना चाह रहे थे। उस समय आजसू पार्टी का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री गृह मंत्री का ये निर्णय के माध्यम से यह संभव हो पाया कि झारखंड प्रदेश का राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा और प्रदेश प्राप्त हुआ है। ये जो कहते हैं इनके बल पर नहीं, इनके बल पर रहता तो 93 में भी हो सकता था, हो सकता था कि नहीं, 93 में भी हो सकता था कि नहीं, हो सकता था। उस समय ये जरूरी नहीं समझा, पैसा जरूरी समझे, ये पैसा लेना जरूरी समझे, राज्य जरूरी इनके लिए नहीं था, इन्होंने नहीं लिया। अब इधर ये 32 भी इनके लिए जरूरी नहीं है, ये राज्य के नौजवानों का रोजगार इनके लिए जरूरी नहीं है, ये सारे रोजगारों को इस बहाने से रोक दिया, भारत सरकार के 9th शेड्यूल में जाने से पहले इस प्रदेश में लागू करते और देखते कि कौन इसको रोकता है, तो लगता कि हाँ नियोजन नीति के लिए ये वास्तव में ईमानदारी से पहल करता है, पहल करने वाला है, तो कम से कम प्रक्रिया शुरू हो जाती, सारी प्रक्रिया। आप गरीब बच्चों की तैयारी को नहीं समझते, कितना कठिन परिश्रम से एक बच्चा एक नौकरी के लिए तैयारी करता है, एक लड़का तैयारी करता है, अब उसका एज आगे बढ़ रहा है, नए लोगों का एज आ रहा है, अभी दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, कैसे रोजगार आएगा, गांव के स्कूल में टीचर नहीं, पारा टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, वहां पर पढ़ाई का आप देख लो खिचड़ी स्कूल बना के रख दिया 1-8, जहां खिचड़ी स्कूल हमारा चलता है, जहां खिचड़ी वितरण होता है, एक या दो टीचर से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल जरूर संभव है, वहां टीचर है, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं, गांव का बच्चा मैथ इंग्लिश साइंस की पढ़ाई नहीं के बराबर कर पा रहा है, ये नींव को कमजोर करने की तैयारी है। हेल्थ देखो, हेल्थ पर क्या हालत है, स्वास्थ्य का क्या हालत है, इन लोगों ने बेसिक डेवलपमेंट के मानकों को पीछे ढकल के रख दिया है, ये डेवलपमेंट के 17 सूत्र पर कभी बात नहीं करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से विकास का बात संभव है क्या, बोल सकता है क्या, बोल सकता है क्या? पार्लियामेंट मेंबर उस 70-80 के दशक से ही लोग पार्लियामेंट मेंबर बने, बिहार सरकार के साथ लगातार रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री से बाप बेटा मिलके मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी डेवलपमेंट का कोई मानक कहीं पर स्थापित किए हैं? अपेक्षा तो गोला का रामगढ़ का किया है, ये 4 जगह रह सकते हैं, CNT इनके लिए कोई मायने नहीं रह सकता है, ये दुमका भी हो सकते हैं, ये धनबाद भी हो सकते हैं, ये बोकारो भी हो सकते हैं, रामगढ़ भी निवास कर सकते हैं और रांची भी कर सकते हैं, CNT की इनके लिए जेब का विषय है, लेकिन एक मगरा मुंडा के लिए CNT बड़ा विषय है। CNT अगर मगरा मुंडा यहां से जाकर अगर रांची में जमीन खरीदने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक्ट है, हेमंत बाबू के लिए कहीं पर एक्ट नहीं है, वो एक्ट से ऊपर है, कानून से ऊपर ये परिवार है, उसके लिए कानून कोई विषय नहीं है। सच्चाई है कि नहीं बताइए, अंदर नहीं है, आप ये काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लोगों की भावना को कुरेदने का और उसकी भावना से खेलना चाहते हैं आप, ये तरीका झारखंड के लोग समझ गए हैं और इसका जवाब रामगढ़ में चूल्हा प्रमुख के माध्यम से आपको मिलेगा। तैयार है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, चूल्हा प्रमुख लोग तैयार है ना? 10 परिवार आगे का जिम्मेदारी, विषय बड़ा क्लियर है, कौन क्या बोल रहा है सुनना नहीं, आपका काम 10 परिवार और उस परिवार की सेवा और उस परिवार को वहां तक लाना। हम पहले भी बोले हैं, पिछले बार 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव नुकसान हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, 2019 का चुनाव कहीं से कहीं दिक्कत किए थे, ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक क्यों मानसिक रूप से गिरवी बनाकर रख दिया इन लोगों ने, किया है कि नहीं बताइए, मानसिक रूप से गिरवी बनाकर रख दिया है, और वही शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ये करने जा रहे हैं कि उनको कब कौन परिवार नहीं चाहता क्वालिटी लाइफ, हर परिवार चाहे किसी समाज समुदाय से हो, रामगढ़ चितरपुर के लिए हमारा हम लोग समाज परिवार कभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने नहीं देखा, जिस परिवार का जरूरत पड़ा चंद्र प्रकाश चौधरी उसका परिवार और भाई बनकर उसकी सेवा करने का काम किया है, किया है कि नहीं किया है बताइए, जिसने भी कहा है। अब आप ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है, हर परिवार ईमानदारी से पहल करे, हर चूल्हा प्रमुख ईमानदारी से पहल करे और तैयारी करिए। आपकी बार कितना,
बायो। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम।